तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं BBMKU सेमेस्टर 2 का लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह से हमें क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एक मिनट में कि ये सब्जेक्ट हमें क्यों दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास करना अलग चीज है और हमें नॉलेज लेना अलग चीज है। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि हम अपने भाषा को कैसे अच्छे से प्रस्तुत कर सके लोगों के सामने में, कैसे प्रेजेंट कर सके अच्छे से लोगों के सामने में। ठीक है, और जनरली इसमें जो है आपको इंग्लिश का पेपर पढ़ना है। ठीक है, क्या मैसेज आया यार, चलिए बाद में इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर जो कि 2023 में पूछा गया था लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल को लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका पेपर जो कि प्रीवियस ईयर में पिछले साल 2023 में पूछा गया था BBMKU में धनबाद में। ठीक है, सेमेस्टर 2 में। इस पेपर का हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CC पेपर 4, पहले नाम हुआ करता था, अब नाम बदल गया है। ठीक है, अब हो गया है AC पेपर, LCS, L से लैंग्वेज, ठीक है, C से कम्युनिकेशन और S से स्किल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये सीरीज ए का पेपर है, 4 वो सीरीज हुआ था, ABCD। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें टोटल 8 पेज है, 2023 में एग्जाम हुआ है, फुल मार्क्स 100 था। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर। अब देखते हैं तो NAP 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ये पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लें बड़ा, तब अच्छे से दिखेगा। हाँ, अब देखिए 1 साल हो गया, पेपर तो बहुत गंदा लग गया था यार। देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप ए कैरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आंसर टाइप कंपल्सरी क्वेश्चन, जो ग्रुप ए है वह आपके कंपलसरी अनिवार्य प्रश्न इसमें रखे गए हैं। एंड बोला गया है कि आंसर 4 out of 6 सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन गिवन इन ग्रुप बी। आपका ग्रुप बी में जो है टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा ग्रुप बी में। ठीक है, और ग्रुप ए के सभी प्रश्नों का आंसर करना होगा, और ग्रुप बी के 6 में से 4 प्रश्नों का। और बोला गया था फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट, तो दाएं साइड में जो है आपका आसीए में अंक आपको दिखाया गया है। The candidate required to give their answer in their own words as far as possible, यानी कि अभ्यर्थी जितना संभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रुप ए। तो ग्रुप ए जो है आपका 20 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का? 20 मार्क्स। इसमें पहले आपको जो है 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है ग्रुप ए में, और ये सभी प्रश्न आपको बनाने हैं। अगर नहीं बनाइएगा तो फिर आपको अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्रिया के जो रूप है इसको सही रूप से आपको लिखना है। यहाँ पे फिर आई डैश, ये डैश है, आई डैश वेट फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, मैं जो है सुबह से बस का इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश क्या होगा कि आई हैव बीन वेटिंग। ठीक है, इसका पूरा यहाँ पे फिलअप होगा, देखिए वहां पे लिखिएगा कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देके। ठीक है, अपना जो आंसर सेट रहेगा उसमें लिखिएगा आई हैव बीन वेटिंग। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया ये स्पेस का। आगे देखते हैं, इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है, सेंस फॉर देके पूछा जा सकता है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि जो आपका वाक्य दिया गया है इसको शुद्ध करना है। ठीक है, और यहाँ से हमारा वाक्य सी इज मैरिड विथ अ टीचर, वाह टीचर से शादी कर रहा है, कहाँ मिला, सरकारी ना प्राइवेट, हम लोग यही सोचते हैं ना, मास्टर की लाए सरकारी लाए ना प्राइवेट लाए, चलिए जो भी है कुछ शादी तो किया। तो क्या बोला गया है कि सी इज मैरिड विथ अ टीचर, देखिए यहाँ पे विथ नहीं लगेगा, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर कोई भी ऑफिसर होगा तो उसके साथ हम लोग टीचर इन सभी के साथ विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, विथ का मतलब होता है के साथ, लेकिन यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे प्रयोग होगा टू का। ठीक है, सी इज मैरिड टू अ टीचर, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, सी इज मैरिड टू अ फलना ढंका। ठीक है, मतलब कोई भी जो अच्छा पोस्ट हो उस पर आप टू का यूज कीजिएगा। ठीक है, विथ का नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, 3 नंबर हमारा है और इसमें पूछा गया है चेंज द वॉइस। देखिए वॉइस आपने पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे आपको चेंज वॉइस चेंज करने का आएगा। ठीक है, इसमें हमारा कि व्हेन इज अ कार गोइंग टू बी बाउट बाय यू। ठीक है,
इसका हिंदी क्या हो जाएगा? देखिए हिंदी समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आप इसका आंसर कर सकते हैं लेकिन हिंदी समझने से आसान होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि when is a car going to bought by you। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे कि आप जो है आपके द्वारा जो खरीदा जा रहा है इसको हम अच्छे से बोल सकते हैं, मतलब वॉइस का क्या बोलेंगे। ठीक है, आपके द्वारा खरीदा जाएगा ये जो कार है। ठीक है, चेंज द वॉइस, यार मुझे भी हिंदी मीडियम से हूं तो मुझे भी दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आपके द्वारा कार कब खरीदी जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे व्हेन आर यू आर ब्रिंगिंग टू द कार। ठीक है, और वॉइस का एक रूल होता है, उस रूल को आपको पढ़ लेना है और बोलिएगा कि 2 घंटा में, मतलब हाँ 2 घंटा में कम से कम आप वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर तो सीख ही सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का कोई स्पेशल टीचर से आप इसको सीख ले, क्योंकि इंग्लिश का मैं मास्टर नहीं हूँ भाई, और जिस चीज का मास्टर नहीं उस चीज का मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, झूठ मूठ का काहिर बोलूंगा। आगे देखते हैं, फिर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि चेंज द नरेशन, नरेशन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है टॉम आस्क डू यू वेंट टू सिट हियर। ठीक है, टॉम पूछ रहा है, टॉम ने पूछा, क्या पूछा कि यहाँ पे क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं, डू यू सिट हियर। ठीक है, तो इसका नरेशन चेंज कीजिएगा, टॉम आस्क्ड वेदर, ठीक है, I wanted to sit here। ठीक है, हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि टॉम आस्क्ड वे, एक मिनट यार, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टॉम आस्क्ड डू यू वेंट टू सिट हियर, टॉम आस्क्ड वेदर आई वेंट टू सिट देयर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर, इसमें पूछा गया था कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म लिखना है आपको एडजेक्टिव का, यानी कि विशेषण का सही रूप को लिखना है, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इट इज डैश डार्क टू नाइट देन इट वाज लास्ट नाइट। ठीक है, यानी कि जो हमारी रात है कल की रात से अधिक अंधेरी है। ठीक है, तो डार्क, देखिए यहाँ पे डिग्री का प्रयोग किया गया है, डार्क का हो जाएगा डार्कर। ठीक है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे डार्क से ज्यादा, डार्क मतलब होता है अंधेरा और डार्कर मतलब होता है उससे ज्यादा अंधेरा। ठीक है, तो इट इज डार्कर टू नाइट देन इट वाज लास्ट नाइट। ठीक है, जो रात है आज की रात ज्यादा अंधेरी है पिछली रात से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डार्क का डार्कर, और एक होता है डार्केस्ट, डार्केस्ट मतलब सबसे ज्यादा अंधेरा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्गर मतलब उससे लंबा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक मिनट यार, तो हमारा कहाँ है अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जॉइन द सेंटेंस, इस आपको सेंटेंस वाइज को जोड़ना है। आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली आई वेंट टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, मुझे अपने परिवार की मदद करनी है इसलिए मुझे एक जॉब को ढूंढना होगा। तो आप इसे 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एंड एंड सो, एंड मतलब और सो मतलब इसलिए। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर कौन रहेगा, सो हमारा ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आई वेंट टू सपोर्ट माय फैमिली सो आई वेंट टू फाइंड अ जॉब, मैं अपने परिवार की सहायता करना चाहता हूँ इसलिए, सो मतलब इसलिए होता है, इसलिए मैं काम की तलाश में हूँ। ठीक है, आई वेंट टू फाइंड अ जॉब, जॉब की तलाश में हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा 7 नंबर, इसमें है कि राइट द अपोजिट ऑफ बारबेरियस। ठीक है, तो देखिए बारबेरियस का यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है, और बारबेरियस का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपने सुना होगा क्या उसको हिंदी में बोलते हैं यार, सुसंस्कृत। ठीक है, यही होता है इसका हिंदी, मतलब कुसंस्कृत होता है ना, संस्कृति से जो हट गया हो कुसंस्कृति, बस वही होता है बारबेरियस, और उसका उल्टा हो जाएगा सुसंस्कृत। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल। ठीक है, सांस्कृतिक जो होता है कल्चरल, वही इसका उल्टा हो जाता है बारबेरियस, यानी कि जो संस्कृति से भिन्न हो गया हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, राइट द सर्वनाम ऑफ मेड, तो मेड का सर्वनाम पूछा गया है, सर्वनाम मतलब पर्यायवाची और अपोजिट मतलब
विप्रार्थक शब्द, इसको कई बार एंटोनॉम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा गया है मेड का। मेड का सिनोनिम क्या होगा? मेड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेड सिनोनिम, मेड मतलब होता है पागल, MAD मेड, ठीक है, सबको जानते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे तौर से बोल सकते हैं क्रेजी, जैसे बोलते हैं ना कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आर यू मेड, क्या तुम पागल हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। देखिए, मैं उतना इंग्लिश शुरू से मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, 12th तक का मतलब 12th, हाँ 10th के बाद में मैंने इंग्लिश को ध्यान से देखा है, इसलिए मेरा इंग्लिश उतना कंफर्टेबल या फ्लुएंसी नहीं है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने का काम कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा उतना अच्छे से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन, यहाँ पे आपको संज्ञा का सही रूप को लिखना है। ठीक है, देखिए, देयर इज अ नो डैश ऑन द बस। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया संज्ञा के सही रूप, देयर इज नो डैश ऑफ बस, क्या आएगा, प्लेस या रूम? देयर इज नो प्लेस ऑन द बस। ठीक है, रूम में थोड़ी ना वहां पे बस वगैरह आएगा यार। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, स्थान, ब्लेस। ठीक है, यानी बस में कोई भी जगह नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना बस में थोड़ा सा भी जगह नहीं, एक थोड़ा सा भी, कि देयर इज नो प्लेस ऑन द बस, बस में एकदम सीट खाली नहीं है। रूम, बस में रूम थोड़ी रहता है। ठीक है, तो प्लेस रहता है, जगह, स्थान। आगे देखते हैं 10 नंबर हमारा है, फिल अप्रोप्रिएट आर्टिकल अबाउट, यहाँ पे आपका आर्टिकल को जो है सही रूप से यूज करना है। आर्टिकल आपको तीन होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, आर्टिकल पढ़े होंगे, एन, द, तो इन तीनों का यूज हो, अबाउट डैश अम्ब्रेला टू आउट इन द रेन। ठीक है, तो मैंने एक छाता खरीदा। ठीक है, बस इतना ही जानिए ना, तो अम्ब्रेला है, यानी कि यू आ रहा है अम्ब्रेला, और हम लोग बोलते हैं कि वोवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए। वहीं पे अगर एप्पल भी होता तो भी हम एन देते, एलिफेंट भी होता तो भी हम एन देते, ए ई आई ओ यू का जो वोवेल साउंड आता है उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, कोई बड़ा चीज होता है तो उसके पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, और ए का सिंपल यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे होता है कि आई अबाउट अ कार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाता केवल, क्योंकि वहां पे वोवेल साउंड नहीं होता। ठीक है, तो सबको पढ़े होंगे ये सब। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए किस टाइप से आए हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया कि राइट अ शॉर्ट नोट इन 120 वर्ड ऑन इंडिया एट 75। ठीक है, तो जब इंडिया की 75वीं गणतंत्र दिवस हुआ इसके बारे में आपको जो है लिखना है। ठीक है, 120 शब्दों में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो मनाते हैं उसके बारे में। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 120 वर्ड 120 शब्दों में। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है, और हाँ, जब भी आप इंडिया के बारे में लिखिएगा, स्वतंत्रता दिवस चाहे आपका मतलब फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, आजादी किस तरह से हम लोगों ने हासिल किया। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे भी आ सकता है, या फिर आपका जो गणतंत्र दिवस है, ठीक है, रिपब्लिक डे, वो भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, राइट अ शॉर्ट नोट इन 120 वर्ड ऑन वोकेशनल कोर्स। ठीक है, तो देखिए वोकेशनल कोर्स के बारे में आपको 120 शब्दों में लिखने हैं। अब बोलिए तो वोकेशनल कोर्स क्या होता है? ठीक है, देखिए वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है व्यावसायिक अध्ययन, यानी कि ऐसा अध्ययन जिससे आप बिजनेस माइंड से पढ़ते हो, केवल किताबी ज्ञान नहीं, वहां पे आपको बिजनेस का चीज सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, केवल किताबी ज्ञान नहीं, कंप्यूटर, उसके साथ ही जैसे कोई रखा है, देखते होंगे आजकल रखता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो कृषि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको कुछ किताबी ज्ञान से हटकर चीजें सिखाई जाती है जो आपको रियल लाइफ में वास्तविक जीवन में काम होता है, उसी को कहते हैं वोकेशनल कोर्स। ठीक है, उन सब के बारे में 120 शब्दों में लिखने को पूछा गया था। अब देखिए ग्रुप बी जो है आपका, ये आपका 80 मार्क्स का है, यहाँ पे 20 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, जिसमें आपका ये पैराग्राफ है वो। ठीक है, कितना नंबर का है पैराग्राफ? तो 2, 4, 6, 8, 10 और 4, 14। ठीक है, और ये 4, 18 नंबर का पैराग्राफ है, 20 नंबर का होगा, सॉरी 4, 4, 8। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाँ 20 नंबर का एगो पैसेज है। ठीक है, और फिर आपका उसके बाद अगला फिर से एक पैसेज आता है पोएम टाइप से, और ये आपका कितना मार्क्स का होता है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12,
ये भी आपका 20-20 मार्क्स, 20-20 मार्क्स के दो पेसेज हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रिटर्न करने के लिए हैं, ये भी आपके 20-20 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, 6-7 पैराग्राफ रिटर्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड क्या बोलेंगे, हार्ड बस आपका ग्रामर ही थोड़ा सा है, उसमें पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें तो बिना पढ़े भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो ग्रुप बी ये आपका 80 मार्क्स का है, टोटल 6 क्वेश्चन है 20 मार्क्स वाले, किन्हीं चार को बनाना है। इसमें पहला है गांधी जी के बारे में आया था कि गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू सिख, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसको आंसर आपको करना होगा, यहाँ पे मैंने सबका आंसर भी टिक लगा दिया है, ठीक है। पहला है कि व्हाट वाज अ मिस्ट्री, ठीक है, क्या पूछा गया है, एक मिनट यार, चाहिए कि लाइन जो है ना अचानक हम लोग का हिलते रहता है, ठीक है, और ऐसे में लैपटॉप खराब हो जाएगा। चलिए, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज अ मिस्ट्री, ठीक है। मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, रहस्य क्या है, तो रहस्य यहाँ पे देखिए पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिलेगा कि गांधी जी एक फर्स्ट क्लास नर्स है, ठीक है। वेयर ही पिक अप नर्स वाज अ मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री क्या है, रहस्य है। तो देखिए आप लोग वर्ड को मैच करते जाइएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो वेयर ही पिक अप नर्सिंग वाज अ मिस्ट्री, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, ये कीजिएगा आंसर, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा इस तरह से। दूसरा है आपका व्हाट वाज द जोक अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में क्या जोक है, ठीक है। तो देखिए गांधी जी के बारे में क्या मजाक किया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिल जाएगा, खोजिएगा मिल जाएगा। इट वाज अ जोक, इट वाज अ जोक स्पेशली अमंग द पीपल इन द आश्रम दैट इफ यू वेंट टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जॉक्स यू हैड ओनली बी इन एंड गेट इनटू बेड, ठीक है, मतलब समझे। इसका मतलब होता है कि मतलब आश्रम के लोगों के बीच अक्सर जब गांधी जी देखना चाहते थे तो उनसे बात करना चाहते थे, ठीक है, उन्हें चुटकुल्ले सुनाना चाहते थे, और जब कोई आदमी बीमार हो जाता था स्पेशली, ठीक है, तो उनको बिस्तर पर ही ये सारी चीजें सुनाते थे ताकि गांधी जी उसको अच्छे फील कराएं, ठीक है। तो बस मतलब उतना अच्छा हिंदी मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना कर सकता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज अ सर्व्ड विथ कॉफी, ठीक है। तो जब भी कॉफी बनाया जाता था तो उसके साथ क्या दिया जाता था, ये आपको पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है डी नंबर की व्हाट वाज द यंग लेड ट्रबल्ड, ठीक है, यानी कि जो युवक था बीमार था उसको क्या परेशानी था, ठीक है, वो बताना है, तभी ना उसको चुटकुले सुनाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा वेयर वाज गांधी जी कॉटेज इन द आश्रम, ठीक है, यानी कि जो गांधी जी का कुटिया था वह किस ओर था या कहाँ था, ठीक है, यह पैसेज में लिखा हुआ है। फिर है व्हाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर कॉफी, ठीक है, यानी कि गांधी जी स्वयं क्यों कॉफी बनाते थे, कॉफी पिए, मैंने तो नहीं पिया, माड़ पिया है माड़, ठीक है, बचपन में माड़ पीता था, चाय वगैरह नहीं पीता हूँ, चाय शुगर हो जाता है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हाँ हॉर्लिक्स पिए हैं। चूज फ्रॉम द पैसेज द वर्ड दैट मीन, अच्छा कौन कौन कॉफी पिया है बताइएगा, तो जी कॉफी शॉप वगैरह जाए ही नहीं है तो कहाँ से पियेंगे, अभी जाने का मौका ही नहीं मिला, सिनेमा भी नहीं गए यार अभी तक। चूज द क्या है, चूज फ्रॉम द पैसेज द वर्ड दैट मीन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता करना है चूज फ्रॉम द पैसेज दैट वर्ड मीन, तो यहाँ पे आपका देखिए इन सभी के चारों के मीनिंग पता करने हैं, ठीक है। और फिर आपका एच नंबर है कि राइट अ प्रिसाइज ऑफ पैराग्राफ, यानी कि जितना भी आपने पढ़ा है इन सभी पैराग्राफ का संक्षेप में लिखना है, समराइज करके लिखना है, ठीक है, बस उसी को छोटा करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग 20 में से इजीली, बहुत ही इजीली 12 से 14 मार्क्स ला सकते हैं, कम से कम इतना आ ही जाएगा, और अधिक से अधिक तो 20 में 20 नहीं लेकिन 18 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और पास करने के लिए इस पेपर में आपको लाना पड़ेगा कितना नंबर मालूम है, आपको लाना पड़ेगा 40 नंबर, ठीक है। एक मिनट यार फोन आ रहा है यार, मेडिकल फील्ड में काम कीजिएगा ना तो आदमी बहुत फोन करेगा, क्योंकि मैंने मेडिकल फील्ड में पैथोलॉजी में काम किया, ठीक है, 3 साल तो आदमी पूछते रहता है। चलिए कोई बात नहीं, हेल्प करना भी चाहिए। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर,
रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह से एक पोएम आया था और उसका आंसर करने को आया था, यह भी आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पढ़ के करना है आंसर। मैंने आंसर कर दिया है, ठीक है, और आगे देखते हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो कि क्वेश्चन था यू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। आपको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट। देखिए आपको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है और उसमें आपको सोशल मीडिया का जो मानसिक स्तर पे जितना भी क्षति होता है उसके बारे में बताना है कि हमारी मानसिक सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया जो है ना बहुत डेंजर चीज है, इसे आप चाहे तो मतलब अपना जीवन को तबाह भी कर सकते हैं और जीवन को सुधार भी सकते हैं। जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जीवन को सुधार रहे हैं, और जब आप लोग एडल्ट वीडियो देखते हैं तो क्या करते हैं, जीवन को तबाह करते हैं। ऐसा बात नहीं है, जब आप लोग शॉर्ट्स वगैरह देखने लगते हैं 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, तो आप लोग अपना जीवन को तबाह करने लगते हैं ना, रियल बता रहा हूँ। डरना क्या है, आप लोग से सच्चाई बताऊंगा, झूठ थोड़ी बताऊंगा, कौन सा मुझे फायदा हो रहा है झूठ बता के आप लोग को। तो शॉर्ट्स वगैरह मत देखा कीजिए, ठीक है ना, प्लीज। हाँ देखना भी है तो 10 मिनट देखा कीजिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। चलिए मैं भी कभी कभी देखता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट। अगला है 7 नंबर, राइट अ पैराग्राफ इन 250 वर्ड्स ऑन योर फेवरेट वेब सीरीज ऑन टीवी शो। तो आपको बोला गया अपना फेवरेट वेब सीरीज के बारे में 250 शब्दों में लिखना है। मैं तो लिखूंगा मिर्जापुर के बारे में, किंग ऑफ मिर्जापुर मुन्ना भैया, ठीक है। चलिए आप लोग अपना अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई लिख सकता है पंचायत वेब सीरीज के बारे में, ठीक है, कोई आश्रम के बारे में लिख सकते हैं, कोई अपना अपना जो भी फेवरेट है टीवी वेब सीरीज या टीवी शो, ठीक है। कोई सास बहू लिखिएगा, कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कोई साथियां, कोई ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोई महाभारत, ठीक है। वैसे महाभारत मेरा भी बहुत फेवरेट है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर यू अविनाश अंकिता, ठीक है, आप अविनाश या अंकिता हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ ये कॉलेज का सोसाइटी है, सॉरी कोई भी सोसाइटी है, आदर्श नगर या फिर कोई भी, ठीक है, पेयरल सोसाइटी या आपके गांव का नाम दे देगा कि आप अपने गांव के जो है प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है या फिर अपने गांव का प्रधान है, ठीक है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इनफ्रीक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर द लास्ट 3 वीक। तो आपके जो गांव है या फिर समाज है वहां पे 3 सप्ताह से पानी का समस्या चल रहा है, ठीक है। फिर बोला गया है कि विच इज क्यूज इशू फॉर द रेसिडेंट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आपको अपने लोकल न्यूज़पेपर जैसे प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, कोई में भी आपको एक न्यूज देना है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम को, इशू जो है, ये मुद्दा, इसको दूर कैसे किया जाए इसके बारे में बताना है, ठीक है। और किसी बड़े व्यक्ति को टारगेट करना है, हो सकते हैं आपका SDM या फिर आपका DM या फिर आपका MLA, ठीक है, उसको टारगेट करके बताना है इसको। आगे देखते हैं 9 नंबर है कि प्रिपेयर योर रिज्यूम, आपको अपना एक रिज्यूम बनाना है। वैसे भी गर्ल्स लोगों के लिए स्पेशली हो जाता है और बॉयस वालों के लिए भी, क्योंकि जब भी आप मैरिज के लिए कोई भेजता है तो बोलता है रिज्यूम भेजो, रिज्यूम रिज्यूम भेजने बोलो, ठीक है। तो बनाना सीख लीजिएगा, बहुत ईजी है। अगर आप पैसेज को नहीं बनाते हैं सपोज दैट, तो इसको लिख के भी आप ला सकते हैं। 4 को बनाइए, 1 2 3 चारों को बनाइए, 80 मार्क्स मिल जाएगा। 80 में तो नहीं, तो कम से कम 15 करके तो मिलेगा, 15 चौका 60 नंबर, और ऊपर से कम आप लोग 10 नंबर लेते सकते हैं, 20 में 10, ठीक है, तो 70 नंबर तक ला सकते हैं बहुत ही इजीली 100 में से। और इस पेपर को पास करने के लिए आपको चाहिए 40 नंबर, ठीक है। चलिए, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये आपका सेट ए है, सेट BCD सब मैंने अपलोड कर देना है, और जितना भी है आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, कर ले। और हाँ, अपना क्वेश्चन पेपर जो है मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग, 8986607541। इस पे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय। फेस वगैरह मत देखिए, पढ़ाई कीजिए केवल, ठीक है।